फ्रेंड्स, क्या आपकी स्किन ड्राई, सेंसिटिव और पिंपल प्रोन है? तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपकी स्किन का है तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और मैं इसके लिए आपको भी सजेस्ट करूँगी। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और सिर्फ टी जोन जो है ऑयली होता है, तो बेसिकली मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपकी स्किन फुली ड्राई है और स्टिल पिम्पल्स आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता रहेगा ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ड्राई सेंसिटिव पिंपल प्रोन स्किन पीपल को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको जो है माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करना है, लाइक जेंटल है होना चाहिए आपकी स्किन के लिए। तो फिर ये जो है ये सेटाफिल जेंटल क्लेंजर है, ये सोप फ्री होता है, इसीलिए ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनाया गया है। और ये आपकी आप अगर इसे फेस वॉश करते हो तो ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता है ये आपके फेस को। ये देखिए, ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड होता है स्पेशली। और ये जो है नॉन कॉमेडोजेनिक होता है, यानी कि इससे पिंपल्स नहीं आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग होता है ये। और अगर आप इससे फेस वॉश करते हो आप, तो फिर आपकी स्किन में इजीली जो है ड्राइनेस नहीं आएगा और सॉफ्ट भी रहेगी। तो फिर इसमें जो है अल्कोहल है और पैराबिन्स है। तो अगर आपको पैराबिन्स नहीं चाहिए तो आप इसका और एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, और वो है मॉइज। ये भी पैराबिन फ्री है और ये भी सोप फ्री है। तो फिर ये क्लेंजर्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इससे झाग नहीं आता है, लेकिन इससे फेस क्लेंज डेफिनेटली हो जाती है और क्लीन हो जाती है इससे। तो आपको ये यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं समझना है कि यार इसको झाग नहीं आ रहा है तो फिर ये साफ़ नहीं कर रहा होगा चेहरे को, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल क्लीन करता है, बस आपको अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करना है और ज़्यादा पानी से आपको इसे वॉश कर देना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फेस वॉश यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं लोटस का ये जोजोबा वॉश। ये भी जो है ये काफ़ी माइल्ड होता है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट इसमें आ जाता है ये। काफ़ी सिंपल सा ये फेस वॉश है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फेस वॉशेस पे डिस्कशन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप जो है वो है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मॉइस्चराइजेशन नहीं करना है बिकॉज कुछ भी लगाया तो फिर पिम्पल्स आ जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी तो पिंपल्स आ जाएंगे और ऑयल जमा होगा स्किन में, इसीलिए मैंने मॉइस्चराइजेशन बंद कर दिया। लेकिन ऐसा करने पे हुआ यूँ कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई और बहुत सारे पिंपल्स आने लगे। पिंपल्स इसलिए आते हैं क्योंकि जब स्किन ड्राई रहती है तो फिर आपकी जो अंदर से सीबम प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए आपको फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, जो भी हो, आपको मॉइस्चराइजेशन करना ही करना है। तो फिर मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ लैक्टोकैलामाइन का ये ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइज़र। मैं काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं बताने वाली हूँ आपको, काफ़ी सिंपल है जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये वाला जो है ये कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन है। इसमें और एक पर्पल वाला आता है जो एक्सेसिव ऑयली स्किन के लिए होता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, ये मैं ड्राई स्किन वालों के लिए ही बना रही हूँ। तो ये जो है ये एब्जॉर्ब करता है आपके एक्सेस ऑयल को। लाइक मैं जानती हूँ कि आपकी स्किन जो है ऑलरेडी ड्राई है तो आपको जो है ज़रूरत नहीं है ऐसा, बट ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे पिंपल्स नहीं देता है। अगर मैं कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हार्मफुल रहता है बिकॉज़ उसमें का ऑयल जो है पिम्पल्स रिजल्ट करता है। तो आपको जो है ड्राई स्किन वालों को, स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन है, उन्हें यूज़ करना है वाटर बेस्ड फेस वॉश। तो ये जो है ये देखिए, ये है एक्वा, यानी कि ये वाटर बेस्ड है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है। और अगर आप इसे धोते हो तो ये इजीली वॉश हो जाता है आपकी फेस से, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऑयल काफ़ी कम है इसमें, तो आपको यूज़ करना है ये वाला मॉइस्चराइज़र जो काफ़ी सेफ़ है। और ये मेरी स्किन सेंसिटिव है इसीलिए मुझे जो है फेस क्रीम काफ़ी ज़्यादा
देख कर यूज़ करनी पड़ती है, पर इस ये वाले जो मॉइस्चराइजर है इसने मुझे बिल्कुल भी कोई भी ब्रेकआउट या कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया है। तो आप इसका और एक छोटा सा पैक आता है वो आप ट्राई कर सकते हैं आपके फेस पे। सेकेंड स्टेप जो है मॉइस्चराइजर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको करना, आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार कोई भी फेस पैक यूज़ करना है, चाहे फिर वो कोई भी फेस पैक हो। लाइक आप सर्च कर सकते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनके स्किन पिंपल प्रोन है उनके लिए कौन से फेस पैक्स अच्छे रहते हैं। तो आप कोई भी 2 फेस पैक्स हफ्ते में ज़रूर लगाएं। इससे होता यह है कि आपकी फेस क्लेंज हो जाता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके फेस में पहुंच जाते हैं। और फोर्थ वाली जो है वो है विटामिन ई। ये जो विटामिन ई कैप्सूल होती है ये आप इसे थोड़ा सा क्रश कर दे, और मैं इसे सिर्फ मंथ में 2-3 बार ही यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, पूरी फेस पे मसाज करती हूँ इसे, और फिर इसे कम से कम 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ के वॉश कर देती हूँ। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये डेफिनेटली आपके स्किन से जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे क्लेंस करेगा। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप ज़रूर इन सारे रूटीन्स को आपके फेस के लिए यूज़ करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ड्राई पिंपल प्रोन स्किन, प्लीज़ ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स ना ट्राई करें। ज़्यादा हाई एंड कॉस्मेटिक्स में आप खर्चा करने से अच्छा है आप बेसिक जो है चीज़ें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करें। आपको ये डेफिनेटली सूट होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से सूट होगा। तो आप जो है फर्स्ट छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, और फिर आप चाहिए तो बड़े प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। और अगर स्टिल आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं 2-3 प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ड्राई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, आप उससे ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।